नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम पिछले कुछ दिनों का छत्तीसगढ़ करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 17 नवंबर तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सब को हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में 18 नवंबर से लेकर आज तक यानी कि 1 दिसंबर तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब को यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। इसके अलावा पिछले लेक्चर्स में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसके आधार पर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और मैं जान रहा हूँ कि आप लोगों का ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहला सवाल क्या होगा, नेशनल करेंट अफेयर कब मिलेगा। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि नेशनल करेंट अफेयर में विलम्ब हुआ, आप लोगों ने जो भरोसा दिखाया था। फिर भी मैं आप लोगों को बोलता हूं कि नेशनल करंट अफेयर का कंटेंट रेडी हो गया है, बस थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिनों में या फिर मैं यूं कहूं कि सोमवार से जो है आपका नेशनल करंट अफेयर वाला भी वीडियो मैं डाल दिया करूँगा यूट्यूब पर। और ध्यान रखिएगा कि नेशनल करंट अफेयर भी पूरा कराऊँगा, इतना भरोसा कर लो। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जितने भी महीने के छूटे हैं हर एक टॉपिक को हम जरूर कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जितने टॉपिक्स एनालिसिस किया था उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पिन किया हुआ है कॉमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी आप लोग कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को देश के प्रतिष्ठित सम्मान पद्मश्री अलंकरण 2021 से सम्मानित किया गया है। अभी जो बच्चा मंडी निरीक्षक वाला पेपर देकर आया है उसको पता है कि पद्मश्री अलंकरण से क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2021 के लिए सवाल है, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो 2019 के लिए पूछा गया था। और जब हम मैराथन क्लास हमने किया था तो इसी में से एक ऑप्शन था अनूप रंजन पांडे। तो अगर आपने मैराथन क्लास को अटेंड किया होगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आए होंगे, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वैक्सीनेशन में प्रदेश के किस जिले ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है। इंपॉर्टेंट है CGPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखिएगा। और अभी तक अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए फटाक से ऊपर आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर कहीं से भी देखिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पिछले लेक्चर में भी, और हमने शुरू से ही बोला है आपको कि एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं होगा। आप बैठोगे हॉल में, अगर 15 क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछते हैं तो 15 क्वेश्चंस में से आप 13 क्वेश्चन करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 2 क्वेश्चन अगर आपको 100% की कोई गारंटी दे रहा है तो बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हर साल CGPSC ऐसा पूछता है जो किसी को नहीं पता होता, समझ रहे हैं। तो इसलिए 90% की गारंटी मेरी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। बस जितने टॉपिक को करा रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ और जितनी चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर अलग अलग एंगल से, उन बातों को आप समझिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छता प्रतियोगिता स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी क्षेत्रों के लिए, इस पर आज हम डीपली एनालिसिस भी करने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दीजिएगा क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया छत्तीसगढ़ राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपके सामने नीचे रहा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, प्रदेश में 3 दिवसीय जनजातीय क्राफ्ट मेला 2021 कब से कब तक आयोजित किया गया। इस तरह के क्वेश्चन जो है CGPSC और व्यापम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नीचे है, हम पढ़ चुके हैं, आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में आपको करना है, ठीक। चलिए इसके बाद अब हम सीधा एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है पढ़ना लिखना अभियान। ये पढ़ना लिखना अभियान जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पिछले साल शुरू किया गया था सितंबर के महीने में। तो सबसे पहले पिछले महीने नहीं, पिछले साल शुरू किया गया था, कब, सितंबर के महीने में, यानी कि 2020 में। अब पढ़ना लिखना अभियान न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले पॉइंट पे ये ध्यान रखिएगा। अब इस अभियान को जो है, इसकी जो ड्यूरेशन था, इसका जो समय अवधि था, उसमें अभी हाल ही में 6 महीने की वृद्धि कर दी गई है, इसलिए पढ़ना लिखना अभियान जो है वो न्यूज़ में है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है कि आखिर पढ़ना लिखना अभियान है क्या।
प्रदेश सरकार द्वारा इसे क्यों लॉन्च किया गया? तो सबसे पहले पॉइंट पे ये समझिएगा कि पढ़ना लिखना अभियान सितंबर 2020 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक पहल है और शिक्षा मंत्रालय के इस पहल के अंतर्गत में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस कैंपेन को अडॉप्ट किया है और छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा मंत्रालय जो है इस कैंपेन को क्रियान्वयन के लिए वो जिम्मेदार एजेंसी, और उसके अंदर कौन सी एजेंसी है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। टारगेट रखा गया था 2.5 लाख असाक्षरों को, यानी कि जिनमें लिखने और पढ़ने की क्षमता नहीं है, उनमें इस क्षमता को विकसित करने के लिए पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया था। कब किया गया था याद रखिएगा, सितंबर 2020 में। लक्ष्य क्या था? तो 2.5 लाख असाक्षरों को साक्षर करने का पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में से, जिसमें से अगर अब तक बोला जाए तो 1,89,855 लोगों को असाक्षर से साक्षर किया जा चुका है इस मिशन के तहत में। अब इसमें से 60,145 लोग जो बच गए हैं उन्हें इस 6 महीने तक जो एक्सटेंड किया गया है उसमें इन्हें साक्षर किया जाएगा, ठीक है। देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पोर्टल के माध्यम से ये सारी जानकारी को अपलोड किया कि पढ़ना लिखना अभियान छत्तीसगढ़ में कहां तक पहुंचा है, ये याद रखिएगा। मैंने बोला कब शुरू हुआ था, 9 नवंबर नहीं, इसको आप सुधार लीजिएगा, 9 सितंबर है ये, सितंबर 2020, ठीक। क्रियान्वयन कौन सी एजेंसी कर रही है? तो स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, यानी कि स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो असाक्षरों को साक्षर करना इसका ऑब्जेक्टिव है। लक्ष्य क्या है? तो 2.5 लाख असाक्षरों को साक्षर करने का है छत्तीसगढ़ में, क्लियर। चलिए बढ़े अगले टॉपिक की तरफ। तो ये कुछ मैंने एक पोस्टर दिया है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप बेहतर तरीके से समझने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। PDF जब मैं दूंगा तो इसे बेहतर तरीके से आप एक नज़र बस पढ़ लीजिएगा, काफ़ी होगा। अगला जो टॉपिक है, प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड 2021 प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अवार्ड्स जितने भी होते हैं जो नेशनल लेवल पे मिलते हैं, खासकर वो अवार्ड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। कब प्रदान किया गया? 19 नवंबर 2021 को। क्यों प्रदान किया गया ये भी देखेंगे, किसे प्रदान किया गया है ये भी देखेंगे। तो भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने किसानों को? 4 किसानों को। नंबर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है 2021 में कितने किसानों को प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा 4, ठीक है। अब किस लिए दिया जाता है यह अवार्ड? तो जो भी ट्रेडिशनल वैरायटीज होते हैं उनके संरक्षण के लिए, किसानों के उत्पाद से संबंधित जो पहले जिस प्रकार से जो ट्रेडिशनल वैरायटीज होते हैं कि किस तरह से सब्जी को उगाना है, जैविक खाद का उपयोग करना है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए और इसे संरक्षित करने के लिए ही प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड से प्रत्येक वर्ष जो है लोगों को सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे किन्हें किन्हें छत्तीसगढ़ में पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस क्षेत्र में उन्होंने बेहतर कार्य किया है। सबसे पहला कौन से जिले से? बीजापुर जिले से। कृषक का नाम क्या है? लिंगूराम ठाकुर। तो इन्हें किस लिए दिया गया? तो बहुल आदिवासी क्षेत्र में धान की जो विलुप्त प्रजाति है उसे संरक्षित करने के लिए, उन प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए, संवर्धन करने के लिए, यानी कि कंजर्वेशन और प्रमोशन के लिए जो है बीजापुर जिले के कृषक लिंगूराम ठाकुर को जो है विलुप्त होती प्रजाति, धान की प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। दूसरा नाम है जांजगीर चांपा के कृषक दीनदयाल यादव को। इन्हें छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों के संरक्षण और जो ट्रेडिशनल किस्म है उसके संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन और प्रमोशन हेतु सम्मानित किया गया है। तीसरा नाम आता है जांजगीर चांपा से ही, कृषक का नाम है हेतराम देवांगन। इन्हें करेला लौकी का जो ट्रेडिशनल किस्म होता है उसके कंजर्वेशन और प्रमोशन के लिए दिया गया है, यानी कि संरक्षण और संवर्धन के लिए। चौथा नाम आता है बालोद के कृषक हैं संजय प्रकाश चौधरी। इन्हें जो है अकरार दुबराज एक धान की प्रजाति है, इसके संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान से जैविक खेती से किस प्रकार से इसका उत्पादन किया जा सकता है, किस प्रकार से इसे संरक्षित किया जा सकता है या किस प्रकार से इसका प्रमोशन किया जा सकता है इस क्षेत्र में, किन किन क्षेत्र में 4 लोगों को मिला है या आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर यह भी समझ लीजिए कि पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार क्या है। तो एक एक्ट है जिस एक्ट का नाम है पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, मतलब कि द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जो ट्रेडिशनल वेराइटीज होते हैं फसलों के, उसे संरक्षित करने के लिए और उसे प्रमोट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है। पूरे देश में भारत ऐसा राज्य है और यह जो और इसके अंतर्गत में यही एक अथॉरिटी डेवलप किया गया है जिसका नाम है प्रोटेक्शन प्लांट एंड वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, जो कि इस एक्ट के तहत में डेवलप किया गया है। और यह अथॉरिटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स
वेलफेयर के अंडर में कार्य करता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है। ठीक है, तो इस तरह से पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत यह पुरस्कार जो है वितरित किया जाता है। अगला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो हाल ही में राष्ट्रपति ने शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण का 6वां संस्करण लॉन्च किया है। पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था? तो पहला संस्करण लॉन्च हुआ था आपका 2016 में। उसी के तहत में स्वच्छता अवशिष्ट प्रबंधन, समग्र स्वच्छता के क्षेत्र में शहरों का रैंकिंग रिलीज किया गया है और यह समारोह जो है स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत में शुरू किया गया है। अब याद रखिएगा, स्वच्छता अभियान कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। स्वच्छता अभियान का दूसरा पखवाड़ा शुरू किया गया है, यानी कि इस सर्वेक्षण और स्वच्छता अभियान का शहरी क्षेत्रों के लिए दूसरा पखवाड़ा शुरू किया गया है कब? 2021 में। ठीक है, 2021 और 22 का जो बजट आया था उसमें स्वच्छ भारत मिशन शहरी अर्बन एरिया के लिए अर्बन एरिया के लिए 2.0 जो है इसी वर्ष लॉन्च किया गया है और इसी के तहत यह सर्वेक्षण लॉन्च किया गया है। और आपको पता है कि आज़ादी का 75वां जो है वो सालगिरह मनाया जा रहा है, यानी कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के तहत स्वच्छ अमृत महोत्सव के दौरान इस सर्वेक्षण को जो है जारी किया गया है। अब इस सर्वेक्षण से रिलेटेड जो भी रैंकिंग है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सब ध्यान से सुनिएगा, पीडीएफ अपने पास रखिएगा, बाद में भी रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाता है। वर्ष 2016 में पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था और उसी वर्ष पहला रैंकिंग रिलीज किया गया था जिसमें कुल 73 शहरों को शामिल किया गया था, यानी कि 73 सिटीज जो है उस समय सिर्फ शामिल हुए थे। 2020 में अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो 4,242 शहरों को शामिल किया गया था और इस वर्ष इस स्वच्छता सर्वेक्षण में कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है याद रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 4,320 सर्वाधिक। इसमें से 5 करोड़ से अधिक नागरिकों की जो प्रतिक्रिया है वो लिया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में और पिछले साल सिर्फ 1.87 करोड़ लोगों की प्रतिक्रिया ली गई थी। आगे अगर हम बढ़ें तो कौन से एजेंसी की तरफ से यह रैंकिंग कंडक्ट कराया जाता है या रिलीज किया कराया जाता है? तो नोडल एजेंसी का नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भारत सरकार। स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से शहर को अवार्ड मिला है? तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की स्थिति में पहला जो रैंक प्राप्त हुआ है वो महाराष्ट्र के विटा शहर को मिला है, दूसरा महाराष्ट्र का ही लोनावाला है और तीसरा जो है सासवड शहर है। ये तीनों जो हैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर में आते हैं। अब 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की स्थिति क्या है? तो पहले नंबर पे है आपका इंदौर, दूसरे नंबर पे है आपका सूरत और तीसरे नंबर पे है आपका विजयवाड़ा। अगर गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों की रैंकिंग अगर हम देखें तो उसमें पहले स्थान पर आता है वाराणसी। हर एक पॉइंट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की स्थिति हम आगे देखने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और गंगा शहर वाला भी याद रखिएगा, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे स्वच्छ छावनी शहर कौन सा है? तो अहमदाबाद है गुजरात का। सबसे स्वच्छ राज्य की अगर हम बात करें तो ऐसे राज्य जिसमें 100 से अधिक शहरीय निकाय हैं, इन राज्यों की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और इसी में मतलब राज्यों की स्थिति में ही एक कैटेगरी रखा गया फास्टेस्ट मूवर स्टेट, यानी कि सबसे फास्टेस्ट कौन मूव किया, पहले बहुत गंदा था अब बहुत बेहतर हो गया, तो ये सबसे फास्टेस्ट मूवर वाला स्टेट का कैटेगरी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर होगा कर्नाटका। क्लियर है? अब 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय यहाँ, यानी कि जो अर्बन लोकल बॉडीज जहां पर 100 से अधिक है, तो इन राज्यों की स्थिति में पहले नंबर पे कौन है? तो वो है आपका झारखंड, ये दूसरी बार आया है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो लगातार 3 बार छत्तीसगढ़ टॉप पे रहा। ठीक है, तो यहां पर दूसरी बार झारखंड जो है पहले स्थान पे है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में फास्टेस्ट मूवर स्टेट कौन सा है? ये बड़े राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक और छोटे राज्यों की श्रेणी में जो है आपका मिजोरम आता है। क्लियर है? चलिए अब यहां पर ये कुछ इमेजेस आप लोगों के लिए है, इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे स्वच्छ शहर में टॉप 10 सिटीज का नाम याद रखिएगा, इसमें से एक है आपका रायपुर,
जिसका रैंक है आपका सिक्स। तो रायपुर के बारे में आप याद रखिएगा, पहले नंबर पे इंदौर, दूसरे पे सूरत, तीसरे पे विजयवाड़ा, नवी मुंबई, चौथे पे, पांचवें पे पुणे और छठवें पे रायपुर। बाकी तीन सिटीज का नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक, अब इस स्वच्छता सर्वेक्षण में इस साल एक नई कैटेगरी को ऐड किया गया है। इस कैटेगरी का नाम है नई प्रदर्शन श्रेणी, और इस नई प्रदर्शन श्रेणी में पांच शहरों को रखा गया है जिसे दिव्य प्लैटिनम के रूप में प्रदर्शित किया गया है। एक बेहतर कैटेगरी आप इसे बोल सकते हैं, एक नया कैटेगरी ऐड किया गया है जिसका नाम है नई प्रदर्शन श्रेणी, और इस नई प्रदर्शन श्रेणी में ये पांच शहरों का नाम दिया गया है दिव्य प्लैटिनम शहर, जिसमें इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई है, नई दिल्ली है और तिरुपति है। ठीक, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर नेशनल करंट अफेयर में आपको बाकी राज्यों या फिर बाकी शहरों से पूछा जाता है तो भी मैंने आपको बता दिया, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या पूछा जाता है, रायपुर छठवें रैंक पे है याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ टॉप पे है याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के टोटल 67 ऐसे नगरीय निकाय हैं या फिर शहर हैं जहां पर इनको अवार्ड मिला है। और पूरे देश भर में अगर हम नगरीय निकायों की बात करें तो पुरस्कार प्राप्त करने वाले नगरीय निकायों की संख्या है 239। क्लियर, इस सफलता के पीछे 10,000 से अधिक स्वच्छता दीदियों का हाथ है, यानी कि पूरे शहर को साफ करने में 10,000 से ज़्यादा स्वच्छता दीदी जिनका नाम रखा गया सफाई कर्मी का, वो लगे हुए हैं। और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को इस बार नहीं पहले दिया गया था ODF प्लस प्लस के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पहला देश में राज्य है जो कि ODF प्लस प्लस की श्रेणी में आता है। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, हर एक को अब बेहतर तरीके से कवर करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने एक वेबसाइट पे अपना पोर्टल जारी किया है आप कह सकते हो, या फिर एक सॉफ्टवेयर जारी किया कह सकते हो, इसका नाम है ONO। तो आप याद रखिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ONO छत्तीसगढ़ के किस एजेंसी के द्वारा जारी किया गया, किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब ONO का भी फुल फॉर्म है, ONO में जो पहला ON है यानी कि ON, उसका नाम है ऑनलाइन, और दूसरा NO का मतलब है नॉमिनेशन, यानी कि ऑनलाइन नॉमिनेशन इसका पूरा नाम है। क्लियर है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है, क्यों जारी किया गया है, तो नाम से ही क्लियर है ऑनलाइन नॉमिनेशन है। तो जो अभी कुछ नगरीय निकाय में पहले इलेक्शन नहीं हो पाए थे अब कंडक्ट होने हैं, तो इन नगरीय निकायों में इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए अब जो है ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया है। 2019 में भी दिया गया था, लेकिन 2019 में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आप कह सकते हो कि यह एक जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया गया था, लेकिन अब जो है इसे कंपलसरी कर दिया गया है। उम्मीदवार जो है ऑनलाइन नॉमिनेशन जो है इस ONO सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में भी समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ में 28 सितंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने दिनांक 1 अक्टूबर 2002 को प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था, यानी कि प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे अगर आपसे पूछा जाता है तो डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, और वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो ठाकुर राम सिंह जो है वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है एक कार्यक्रम जिसका नाम है तारुण्य वार्ता। इस कार्यक्रम को किसकी तरफ से शुरू किया गया है, तो इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है भारत स्काउट एवं गाइड्स। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपने जरूर सुना होगा भारत स्काउट एवं गाइड्स के बारे में, फिर भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि भारत स्काउट एंड गाइड क्या है, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है और इस कार्यक्रम को किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है। भारत स्काउट एवं गाइड ने यूनिसेफ के सहयोग से 10 से 25 वर्ष के आयु के बालक बालिकाओं को मानसिक रूप और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए तारुण्य वार्ता नामक कार्यक्रम शुरू किया है। उद्देश्य याद रखिएगा, किस उद्देश्य से, कौन से कैटेगरी के लोगों के लिए, तो 10 से 25 वर्ष तक के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। अब इस वार्ता नामक कार्यक्रम में इस एज के लोगों के साथ में, यानी कि युवाओं के साथ में, उन्हें समझने की शक्ति, जो उनके राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसके प्रति उन्हें जागरूकता करने के लिए, उनमें जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक तथ्यों से परिचित कराने के लिए, और उनके, जैसे मैंने बोला कि अधिकारों के बारे में कि हमारा अधिकार क्या है, इन सब से वाकिफ कराने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए
तारुण्य वार्ता शुरू किया गया भारत स्काउट्स एवं गाइड्स और यूनिसेफ के सहयोग से छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब भारत स्काउट्स और गाइड्स के बारे में आप समझिए। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स भारत का नेशनल स्काउटिंग एंड गाइडिंग एसोसिएशन है और इस एसोसिएशन एक सोसाइटी है। सोसाइटी कहने का मतलब है कि जो सोसाइटी अधिनियम भारत सरकार में है उसके तहत में एक एनजीओ आप इसे कह सकते हो, एक एसोसिएशन आप कह सकते हो, यानी कि यह बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करता है जो कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत और एक गैर आधिकारिक संगठन है, यानी कि आप इसे एक एनजीओ के रूप में देख सकते हो। स्काउटिंग की स्थापना भारत में बहुत पहले 1909 में हुई थी और जबकि गाइडिंग इंडिया की शुरुआत 1911 में हुआ था। ये इसका लोगो है, आप इसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर यूनिसेफ के बारे में भी समझ लें क्योंकि हो सकता है आपसे यहाँ यूनिसेफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो यूनिसेफ का नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था, पहले इसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि इसके फुल फॉर्म में दिखता है, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसका नाम याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। ठीक, इसे स्टैब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1946 को और 1953 में यह जो है एक स्थायी सदस्य बन चुका था यूनाइटेड नेशन का, यानी कि एक स्थायी जो है एजेंसी यूनाइटेड नेशन का कब बना अगर पूछाता है तो 1953 में। हेडक्वार्टर कहाँ इसका याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में, और हेड कौन है इसके, तो हेनरिएटा एच फोर, ये हैं इसके अभी वर्तमान समय में प्रमुख, यानी कि किसके, यूनिसेफ के। याद रखिएगा यहाँ से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यूनिसेफ के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि यूनिसेफ का छत्तीसगढ़ प्रमुख कौन है तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि यूनिसेफ पूरे भारत में है और यूनिसेफ स्टेट वाइज भी है। और अगर छत्तीसगढ़ से संबंध में पूछा जाता है तो श्री जॉब चकारिया ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं यूनिसेफ के। याद रखिएगा अगर छत्तीसगढ़ में पूछा जाए कि यूनिसेफ में छत्तीसगढ़ के प्रमुख कौन है तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। क्लियर, अगला टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट। वैल्यू एडिशन के तौर पर आप रूरल डेवलपमेंट या फिर छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वैल्यू एडिशन के तौर पर यूज कर सकते हो। क्यों, न्यूज में है चिराग परियोजना, तो 24 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा छत्तीसगढ़ में चिराग परियोजना का शुभारंभ किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुभारंभ कब किया गया, तो 24 नवंबर को, और इस परियोजना में फंडिंग कहां से हुआ है तो वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी कृषि विकास के लिए जिम्मेदार संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल फंड ऑफ फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इन दोनों ने फंडिंग किया है इस एजेंसी में, मुख्य भूमिका में है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने कितने का वित्तीय सहायता दिया है, तो 1036 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले ही साल दिसंबर 2020 में ही यह फंड वर्ल्ड बैंक की तरफ से अप्रूव हो गया था। अब चिराग प्रोजेक्ट को है जो छत्तीसगढ़ में 24 नवंबर से इंप्लीमेंट कर दिया गया है। चिराग का फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। नाम से ही क्लियर है कि इस प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ में क्यों शुरू किया गया है, तो रूरल एरियाज में, खासकर उस एरिया में अगर हम कह सकते हैं कि जो भी डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है उसे एक्सेलरेट करने के लिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में इस स्कीम को शुरू किया गया। जब मैं बोल रहा हूँ कुछ हिस्सों में, तो कुछ हिस्सों में शुरू किया गया है, जैसे बस्तर संभाग के 7 जिलों में 13 विकास खंड को शामिल किया गया है और मुंगेली जिले के मुंगेली विकास खंड को शामिल किया गया, यानी कि 14 विकास खंड को छत्तीसगढ़ से शामिल किया गया जिसमें बस्तर संभाग के 7 जिले शामिल हैं और मुंगेली का विकास खंड शामिल है। और इन टोटल 14 विकास खंड से लगभग 1000 गांव को जो है शामिल किया गया है चिराग प्रोजेक्ट में। अब 1035 करोड़ रुपए था जो वर्ल्ड बैंक इसमें फंड कर रहा था, कितना था, 1036 करोड़ रुपए। ठीक, और इसके बाद जो टोटल इसका फंड है उसमें से 30% जो फंड है वो छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रोजेक्ट में डालने वाला है। तो इस तरह से चिराग प्रोजेक्ट का जो टोटल बजट है वो 1800 करोड़ रुपए का है। क्लियर है, इसमें इन्वेस्ट होने वाला है। आगे बढ़े। ठीक, अब द वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में भी जान लो, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप कब स्टैब्लिश किया गया, जुलाई 1944 में। किस तरह का एजेंसी है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन है। और लीगल स्टेटस क्या है, ट्रीटी यानी कि एक संधि के तहत इसे बनाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। मेंबर्स टोटल हैं 118
9 कंट्रीज आप इसे कह सकते हो। और अभी के जो प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, इनका नाम याद रखिएगा, डेविड मालपास। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है, नीति आयोग ने पहली बार शहरी क्षेत्रों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंडेक्स जारी किया कि कौन सा शहर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अडॉप्ट करने में सबसे आगे है या फिर कौन सा शहर जो है सबसे पीछे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो नीति आयोग जारी करता है, हमने एक ओवरऑल रैंकिंग देखा था राज्यों की स्थिति में। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है मैंने आपको बता दिया है बहुत पहले ही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी किया गया है। 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था, टारगेट रखा गया था 2030 तक। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल को टारगेट बनाए, जिसमें से 15 गोल जो है भारत सरकार द्वारा अडॉप्ट किया गया और नीति आयोग की देखरेख में जो है यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्यों की तरफ से भी अडॉप्ट किया गया और नीति आयोग हर साल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स भी जारी करता है भारत के संदर्भ में, और देखता है कि कौन सा राज्य बेहतर स्थिति पे है या नहीं है। क्लियर है? डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ऊपर ऊपर जितनी चीज़ों को बताया हूँ ध्यान रखिएगा ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ सके। अब नीति आयोग 23 नवंबर 2021 को सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स को जारी किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर नगरीय क्षेत्र को फ्रंट रनर की श्रेणी में इसने रखा है। ठीक है, दो कैटेगरी में इंडेक्स जारी किया गया है, एक तो फ्रंट रनर और दूसरा परफॉर्मर। परफॉर्मर में जो स्टेट जो शहर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए वो परफॉर्मर की श्रेणी में है, और जिन शहरों ने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में है। तो जो रायपुर नगरीय क्षेत्र है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में है। ठीक, और इसमें नीति आयोग द्वारा प्रथम बार इस प्रकार के सतत विकास से संबंधित इंडेक्स को जारी किया गया शहरी मामलों में। ठीक, इंडेक्स में टोटल 56 नगरीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें इंडिकेशंस जो है टोटल 77 है। पूरे भारत में 56 नगरीय क्षेत्र शामिल किया गया। रायपुर की अगर हम बात करें तो फ्रंट रनर है रायपुर, स्कोर याद रखिएगा 67.36। और अगर हम रैंक देखें नगरीय क्षेत्रों में इस 56 नगरीय क्षेत्र में से, तो 20वां रैंक है रायपुर का। क्लियर? चलिए, ये कुछ टॉप अर्बन एरियाज हैं इस रैंकिंग के हिसाब से। टॉप 5 में कौन कौन सा है? पहले नंबर पे शिमला, दूसरे नंबर पे कोयंबटूर जो कि तमिलनाडु का है, चंडीगढ़ तीसरे नंबर पे। तो इस तरह से टॉप 5 और टॉप बॉटम में आपका फरीदाबाद, कोलकाता, आगरा, कोहिमा, जोधपुर, पटना शहर है। तो टॉप 5 बॉटम और टॉप 10 जो 8, ये आप बॉटम 10 एरिया 5 एरियाज के बारे में याद रखिएगा, और जो टॉप पे 5 हैं अर्बन एरियाज जो हैं उनके बारे में याद रखिएगा। ठीक, अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब छत्तीसगढ़ का हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो नीति आयोग द्वारा इंडेक्स जारी किया गया था उसमें हमने देखा था, तो छत्तीसगढ़ उस इंडेक्स में कहाँ था? तो छत्तीसगढ़ उस इंडेक्स में था आपका परफॉर्मर श्रेणी में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के बारे में भी जान लीजिए। नीति आयोग को योजना आयोग को रिप्लेस करके बनाया गया था। कब बनाया गया था, इफेक्ट कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। एनुअल बजट इसका आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। किस एजेंसी के तहत में काम करता है यानी कि कौन से मंत्रालय के अंदर में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। चेयरपर्सन आपको पता है कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तत्कालीन, यानी कि नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान समय में इसके प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। राजीव कुमार गयुबा जो हैं इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, और सीईओ जो हैं अमिताभ कांत हैं नीति आयोग की। ये 3 इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में आप नाम याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला जो है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अव्वल है, ये कौन कह रहा है? हाल ही में एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, और इस सर्वे के अनुसार वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में पूरे देश भर में पहले स्थान पे है। किस तरह से पहले स्थान पे है वो हम देखेंगे, लेकिन इसी रिपोर्ट के अनुसार पहले छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है ये भी देख लीजिए। वर्ष 2018 में 17वें नंबर पे था, 2019 में 6वें नंबर पे था, और 2020 में दूसरे पायदान पर था छत्तीसगढ़, और इस वर्ष पहले पायदान पे है। तो छत्तीसगढ़ ने ऐसा कौन सा काम किया कि इस रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वातावरण में वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए और उसे जांचने के लिए टोटल 18 वायु गुणवत्ता स्टेशन स्थापित किए हैं पूरे प्रदेश भर में। ये स्टेशन वहाँ लगाए गए हैं
जिन शहरों में प्रदूषण की स्थिति ज़्यादा भयावह है। वायु प्रदूषण की सर्वाधिक प्रभावित 3 प्रमुख नगर निगमों कौन कौन सा, रायपुर, भिलाई और कोरबा में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम के तहत माइक्रो एक्शन प्लान तैयार किया गया है। और इस एक्शन प्लान के तहत में जो भी कमियां होती हैं या फिर जो भी जिस वजह से प्रदूषण होता है उसे दूर करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके अलावा और अगले पॉइंट पे देखें तो वायु में सल्फर की मात्रा 37% तक, जो भी छत्तीसगढ़ सरकार ने, मैंने बताया कि जो प्लान किया है या जिस पर एक्शन ले रहा है उसमें सल्फर की मात्रा 37% तक कम हो गई है। वैल्यू एडिशन कर सकते हो ये सब सारी चीज़ों का मेंस में, इसलिए जो आंकड़े बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यह 2016 में 26.02% माइक्रोग्राम था, 2020 में घटकर 16.34 माइक्रोग्राम रह गया। इसी प्रकार दैनिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड संकेंद्रण, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन में भी कहते हैं, 17% की कमी आई है और यह 24.11 माइक्रोग्राम घटकर 19.88 माइक्रोग्राम रह गई है। क्लियर। और कौन कौन सा प्रयास किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तो वो एयर क्वालिटी की बात हुई। वाटर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसे मॉनिटरिंग के लिए एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की जो है 7 प्रमुख नदियों को शामिल किया गया है, उसके पानी की गुणवत्ता को नापने के लिए, जांचने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए। और इस तरह से टोटल जो है 27 स्टेशन पानी की गुणवत्ता को नापने के लिए आज छत्तीसगढ़ में नदियों की गुणवत्ता को नापने के लिए स्थापित किया गया है। इनमें से 5 प्रमुख नदियां कौन कौन सा है, खारून है, महानदी है, हसदेव है, केलो है और शिवनाथ है। ये भी याद रखिएगा, आपका मेंस में काम आ सकता है। आगे इसके बाद एक और पुरस्कार छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उस पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2021। गोपाल रत्न पुरस्कार का मतलब है कि गायों के लिए पशुपालन के क्षेत्र में या फिर गोपालक जो हैं उन्होंने किसी क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है, इसलिए यह अवार्ड दिया गया है। तो किसे प्राप्त हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में हाल ही में पशुपालक श्रीमती माधुरी जंगहिल और पशुधन विकास विभाग में कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्री दुलारू राम साहू को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया है ये आपने देख लिया, कौन से जिले से आते हैं और इन्होंने क्या किया है, किस क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है, हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यह अवार्ड किससे दिया जाता है, तो पशुपालन एवं पशुधन विकास में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्रीज डेयरीज एंड फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करने वाली यह मंत्रालय है और इसी के तहत यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। अब ये जो दोनों पुरस्कार मिला है, दोनों व्यक्तियों को मिला है, इनके बारे में समझिए। धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड के ग्राम मुर्रा से आते हैं कौन, कृत्रिम गर्भाधान में तकनीशियन श्री दुलारू राम साहू। इन्हें कौन से कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है, तो श्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में इन्हें जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पुरस्कार में क्या मिला है, 3,00,000 रुपये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रैंक कौन सा है इनका, सेकेंड रैंक। ठीक। अब राजनांदगांव जिले की छुई खदान विकास खंड के ग्राम संडी की पशुपालक हैं श्रीमती माधुरी जंगहिल को इन्हें कौन से कैटेगरी में दिया गया है, श्रेष्ठ देसी नस्ल कृत्रिम श्रेणी में। ठीक है, इन्हें 2,00,000 रुपये और रैंक की अगर हम बात करें तो इन्हें तीसरा रैंक मिला है इस कैटेगरी में। तो दोनों का रैंक याद रखिएगा, दोनों का कैटेगरी याद रखिएगा, दोनों का नाम याद रखिएगा, दोनों का स्थान नाम याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, किसके द्वारा दिया गया है ये नाम याद रखिएगा बस। अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के लिए, और कई बार व्यापम, CGPSC अलग अलग फ्रेम चेंज करके छत्तीसगढ़ राज्य भाषा दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, कभी आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो कभी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है प्रदेश में हर साल कब मनाया जाता है राज्यभाषा दिवस, याद रखिएगा 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ी राज्यभाषा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 28 नवंबर 2007 को विधानसभा में छत्तीसगढ़ी राज्यभाषा से संबंधित जो है विधेयक पास हुआ था, इसलिए जो है 28 नवंबर को प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। गैजेट में कब प्रकाशित किया गया याद रखिएगा इस विधेयक को, जब ये पास हो गया तब, तो 11 जुलाई 2008 को। अब इसके अंदर में कमीशन गठन किया गया, इस कमीशन को कब गठित किया गया और इसका कार्य कब शुरू हुआ, तो 14 अगस्त 2008 को। अब छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के वर्तमान सचिव कौन है, ये आप याद रखिएगा, डॉक्टर अनिल कुमार भतपहरी। अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है, मैंने ढूंढा नहीं मिला, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्यभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है। सचिव मुझे पता है, डॉक्टर अनिल कुमार भतपहरी।
पहले कौन है, पहले सचिव? तो पहले सचिव का नाम है, आप लोगों को पता है ना, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दुबे, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो पहले सचिव थे। ठीक, अध्यक्षों की सूची में अगर हम प्रथम की बात करें तो पंडित श्याम लाल चतुर्वेदी प्रथम अध्यक्ष थे, द्वितीय अध्यक्ष थे श्री दानेश्वर शर्मा और तृतीय अध्यक्ष थे विनय कुमार पाठक। हो सकता है वर्तमान समय में यही है, मुझे जहाँ तक पता है, लेकिन मैं कन्फर्म नहीं हूँ, अगर आपको पता होगा तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, चलिए, अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को एक अवार्ड मिला है, उस अवार्ड का नाम है महात्मा फुले समता पुरस्कार। पुणे में एक सम्मेलन था और उसी सम्मेलन में इन्हें सम्मान जो दिया गया है। कुछ डिटेल देखते हैं, तो 28 नवंबर को महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में महात्मा फुले समता पुरस्कार से भूपेश बघेल जी को सम्माना गया है। किस पुरस्कार से, याद रखिएगा, किनकी 131वीं जयंती पर, याद रखिएगा, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद द्वारा यह समारोह आयोजित किया गया था और इसी परिषद द्वारा मुख्यमंत्री को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक, महात्मा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रणी नेता थे, जैसे महात्मा गांधी जी राजनीतिक क्रांति के अग्रणी नेता माना जाता है, कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो है राजनीतिक क्रांति के अग्रणी नेता थे, उसी प्रकार से इनके बारे में कहा जाता है, महात्मा फुले के बारे में, कि ये सामाजिक क्रांति के अग्रणी नेता थे। ठीक, इनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लो, किनके बारे में, महात्मा फुले के बारे में। इनका जन्म कब हुआ, 11 अप्रैल 1827 को हुआ, मृत्यु कब हुआ, 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुआ। ठीक है, कौन सा एरा था, एरा था 19th century। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जैसे एथिक्स के, यानी कि सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, ह्यूमनलिज्म के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया, एजुकेशन के क्षेत्र में भी इन्होंने बेहतर कार्य किया और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए इन्होंने बेहतर कार्य तो किया ही। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है धान की खरीदी और मक्के की खरीदी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपको याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर से। खरीफ वर्ष कौन सा है, तो 21 और 22 विपणन वर्ष इसे कहते हैं। कब तक खरीदी किया जाएगा, 31 जनवरी 2022 तक, धान की मैं बात कर रहा हूँ। पंजीकृत किसानों की संख्या कितनी है, लगभग 22,66,000। लगभग इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि डेटा थोड़ा बहुत चेंज होता है, कुछ दिन बाद कुछ और किसान ऐड हो जाएंगे तो ये डेटा बदलता है। तो अभी जो डेटा रिलीज है आज के डेट तक वो 22,66,000 याद रखिएगा। सहकारी समिति के माध्यम से जो उपार्जन केंद्र जहाँ पर धान की खरीदी की जा रही है, कितने उपार्जन केंद्र यहाँ इस वर्ष हैं, तो 2,399 और 88 जो है इस वर्ष नए उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष का लक्ष्य कितना है, 150 लाख मीट्रिक टन, पिछले वर्ष 85 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन धान की खरीदी लगभग 90 या 93 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुआ था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना है, 1940 रुपये सामान्य धान के लिए, और ए ग्रेड का अगर धान है तो 1960 रुपये, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया है। हाँ, और बाकी जो इनपुट सब्सिडी है वो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत में 9,000 रुपये प्रति एकड़ जो है किसानों को दिया जाएगा। ठीक, अब मक्के की खरीदी से संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, कब से शुरू हुआ, 1 दिसंबर से ही शुरू हुआ, कब तक चलेगा, ये आपका 28 फरवरी 2022 तक चलेगा। वो धान की खरीदी कब तक, 31 जनवरी 2022 तक। मक्के का समर्थन मूल्य कितना है, 1,870 रुपये प्रति क्विंटल, और इस पर भी जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कितना इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा, 9,000 प्रति एकड़। और ये भी याद रखिएगा कि अगर आपके पास में 15 एकड़ ज़मीन है तो 15 एकड़ ज़मीन तक ही आपको इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा और समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी, अगर उससे ज़्यादा है तो नहीं मिलेगा। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से, इस पोर्टल का नाम क्या है, तो छत्तीसगढ़ कैंप पोर्टल, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ कैंप पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस उद्देश्य के साथ में लॉन्च किया गया है, तो राज्य शासन की जो प्राथमिकता वाली योजनाएँ हैं, जो प्रायोरिटी बेसिस पे उसके मॉनिटरिंग के लिए, प्राथमिकता बेसिस वाले कौन से स्कीम्स हैं जो सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जैसे गोधन न्याय योजना हो गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया, सुराजी गांव योजना के तहत में जो 4 प्रोग्राम चल रहे थे, गरवा नरवा घुरवा बाड़ी, वो हो गया। तो इस तरह से प्राथमिकता वाली योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए, ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जिसका नाम है कैंप पोर्टल। 22 नवंबर 2021 को शुरू हुआ, जो कि
वनडे एग्जाम में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका आज का पूरा छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उन क्वेश्चंस का आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो कीजिएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए नेशनल करेंट अफेयर जल्दी कर लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।